हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। मेरा अपराजिता सिलाई सेंटर आपके लिए हमेशा एक नया वीडियो लेकर आता है ताकि आप कुछ सीख सको और सेल्फ डिपेंड हो सको। तो फ्रेंड्स, आज आपको बताया जा रहा है यहाँ पे थ्री स्टेप की कटिंग। थ्री स्टेप की कटिंग कैसे करते हैं वो यहाँ आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले एक तीन लेयर बनाना होता है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रंट साइज का जो होता है ऊपर की तरफ, जो फर्स्ट में बालों को फोल्ड करते हैं, फिर सेकंड लेयर होता है दूसरा लेयर जिसे फोल्ड करना होता है, फिर उसके बाद तीसरा लेयर होता है जो नीचे के साइड जो अभी आप देख रहे हो यह तीसरा लेयर है जिसे आपको खोल कर अच्छे से कॉम्बिंग करना है। फिर आपको जितनी लंबाई चाहिए उतना लंबाई आपको लेकर कट करना है और फिर आपको अच्छे से कॉम्बिंग करने के बाद बालों को ऊपर की तरफ लेकर जाना है और फिर अच्छे से कॉम्बिंग करना है। तो ऊपर जाने के बाद आपको एक गाइडलाइन दिखाई देता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसी गाइडलाइन के ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा बड़े बाल दिखाई दें बस उसे ही कट करना होता है। तो यहाँ पर आपको बस यही ध्यान देना है, बालों को अच्छे से कॉम्बिंग करते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है और जो छोटे बालों के जो जस्ट ऊपर से आपको बड़े बाल दिखाई दे रहे हों बस उन्हें ही कट करना होता है। तो यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान में रखना है और इस तरह से कटिंग करना है। तो इस तरह से आपकी थ्री स्टेप की कटिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बहुत आसान तरीके से बताया जा रहा है जिसे आप बहुत इजीली घर पे कर सकते हो। आप अपने घर में अपनी बहन को, अपने फ्रेंड्स को या फिर किसी को भी कर सकते हो, या फिर सेल्फ डिपेंड्स के लिए भी आप ये सब सीख सकते हो। मैं तो चाहूँगी कि आप मेरे साथ आप भी सीखो ताकि आप भी सेल्फ डिपेंड हो सको, एक अच्छे टीचर बन सको अपने लाइफ में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि इसकी कटिंग कैसे करते हैं, थ्री स्टेप की कटिंग कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से थ्री स्टेप की कटिंग करते हैं। तो ऐसे ही इसकी कटिंग होती है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे सेक्शन लेना है, ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं लेना है। छोटे सेक्शन लोगे तो आपकी कटिंग अच्छे से हो सकेगी और कॉम्बिंग भी बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली कॉम्बिंग करना होता है। प्रॉपरली कॉम्बिंग करोगे तभी आपकी बालों की जो जितने भी बाल नीचे से रुके या झुके होते हैं वे सभी स्ट्रेट सीधे हो जाएंगे और आपको आपकी कटिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं अपने बालों को। तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे। तो इसके बाद ये दो लेयर की कटिंग हो रही है दूसरे लेयर की फ्रेंड्स, यहाँ पे भी उसके बाद तीसरे लेयर की कटिंग करी जाएगी। मेरे यहाँ की स्टूडेंट थोड़ी सी नोटी होती हैं तो थोड़ा सा वीडियो बनाते वक्त इधर उधर हो जाती हैं जिसके कारण कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वह मिस हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहूँगी, बट डोंट वरी, मैं आपको बोलकर बता रही हूँ कि यहाँ पे इस तरह से कटिंग होता है। ये दूसरे लेयर की कटिंग हो रही है। तो दूसरे लेयर की कटिंग इस तरह से करते हैं, सभी बालों को बस ऊपर अच्छे से कॉम्बिंग करते हुए ले जाना है और आपको गाइडलाइन फॉलो करते हुए जो भी एक्स्ट्रा बाल आपको दिखाई दे उसे आप कट कर लें। तो आपकी ये दूसरी लेयर की भी कटिंग हो गई है और उसके बाद आप अच्छे से कॉम्बिंग कर लें और यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने बालों को कि कितनी अच्छी से कटिंग हुई है। कॉम्बिंग करते वक्त आपको यह पता चल जाएगा कि यह कितनी अच्छी कटिंग हुई है। तो यह आपकी दूसरी लेयर की भी कटिंग हो गई है। अब तीसरी लेयर की कटिंग करना है, जो फ्रंट पे है फोल्ड किया हुआ बाल उसे खोलेंगे और अच्छे से कॉम्बिंग करेंगे। कॉम्बिंग बिल्कुल प्रॉपर करना होता है। कॉम्बिंग आप थोड़ा बहुत भी ये नहीं कर सकते हैं कि कहीं पे बाल मोटा रह जाता है, कहीं पे उलझा हुआ या कहीं पे मुड़ा हुआ, जिसके कारण थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। बट आपको अच्छे से कॉम्बिंग करना है, बालों को सीधा करना है और फिर से आपको वही स्टेप करना है। सभी बालों को अच्छे से कॉम्बिंग करने के बाद एक सेक्शन लेकर आपको ऊपर की तरफ फिर से आपको वापस कॉम्बिंग करना होता है। फिर आपको गाइडलाइन जो दिखाई दे उसके ऊपर जो बड़े बाल आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप उसे कटिंग कर सकते हैं। तो यह आपकी थ्री स्टेप की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको आज का यह हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, तभी तो मैं आपके लिए एक और अच्छी वीडियो लेकर आ सकूंगी। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हमारा यह वीडियो कैसा बन रहा है। फ्रेंड्स, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, फिर सारा दिन मैं क्लास में वर्क करती हूँ, सभी स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक हमारा बैच चलता ही रहता है फ्रेंड्स, और उसके बाद ही मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आती हूँ कि आप भी कुछ सीख सको। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि यह वीडियो कैसा लगा,
ताकि अगली बार मैं और अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय, जय माता दी फ्रेंड्स।